इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और सपा के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर हुई तकरार अभी भी खत्म नहीं हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे से नाराज समाजवादी पार्टी अब राजस्थान में भी कांग्रेस को चुनौती देने की तैयारी में है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राजस्थान की 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। अब ऐसे में जाहिर है कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच काफी तनातनी बढ़ गई थी। सपा को सबसे ज्यादा उम्मीद एमपी में ही थी, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, जिसके बाद सपा ने वहां पर लगभग 74 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। वहीं इन सब के बीच एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तय किया है कि यहाँ जीतने के बाद हम लगातार यहाँ काम करेंगे। अगर हम मध्य प्रदेश में सफल हुए तो इसे संरक्षित करने के लिए काम करेंगे। किसानों के सम्मान इस लड़ाई में हमारा साथ दें। ये निवाड़ी विधानसभा है, ये समाजवादियों ने पहले भी जीती थी और इस बार भी जीतने जा रही है। जो माहौल यहाँ है वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ है। यहाँ की जनता दोनों से निराश हुई है और इस बार विकल्प के तौर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची है और अन्याय भी चरम सीमा पर पहुंचा है। जिस दल ने यहाँ पर लगभग 20 साल सरकार चलाई हो, दिल्ली में 10 साल से सरकार है, अगर डबल इंजन की सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती, बेरोजगारी कम नहीं कर सकती, तो आखिरकार जनता से कैसे आप वोट मिलेगा। और दूसरा सवाल ये बनता है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कहते हैं कि उन्होंने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अगर गरीबी रेखा से बाहर लोग निकले हैं तो आखिरकार उन्हें राशन कैसे क्यों देना पड़ रहा है। आज लोगों के हाथ में काम नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, किसान की आय दोगुनी की बात की थी, आज किसानों की आय दोगुनी नहीं है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए जनता इस बार उनको सबक सिखाएगी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, समाजवादी पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस को चुनौती देगी। सपा यहां अलवर जिले की राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी, धौलपुर, भरतपुर की नदबई और नगर सीट पर अपने प्रत्याशी लड़ा सकती है। बता दें, सपा ने साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन इन चुनावों में पार्टी को किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिल पाई थी। पिछले चुनाव में सपा का वोट प्रतिशत 7.56 तक रहा था। सपा को अब तक केवल साल 2008 में ही एक सीट पर राजस्थान में जीत हासिल हुई थी। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भी इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सपा राजस्थान की चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हमें उम्मीद है कि राजस्थान की जनता सपा को अपना आशीर्वाद देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।